नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। दुनिया में एक ऐसा देश भी है जो कोरोना को लेकर अब भी बेहद अलर्ट है। जरा सोचिए कि दुनिया में कई ऐसे देश है जहां आज भी 20 से 25 हजार केस रोजाना सामने आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कई देश कोरोना को लेकर उतने गंभीर नहीं है। लेकिन न्यूजीलैंड ने कोरोना को लेकर जो कदम उठाया वो सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि कोरोना की आहट भर ने पूरे न्यूजीलैंड को सचेत कर दिया। दरअसल मंगलवार को न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में कोरोना का सिर्फ एक मामला सामने आया और यहां की प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डन ने पूरे देश में लॉकडाउन घोषित कर दिया। जैसिंडा अर्डन ने कहा है कि ऑकलैंड में पूरे 7 दिन का लॉकडाउन रहेगा, बाकी शहरों में लॉकडाउन 3 दिन का होगा जो आज रात से लागू हो जाएगा। उन्होंने सभी को घर से काम करने की सलाह दी है। लॉकडाउन के दौरान सभी स्कूल और कॉलेज भी बंद रहेंगे। न्यूजीलैंड के अधिकारियों ने बताया कि ऑकलैंड में मिले एक संक्रमित में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के लक्षण हैं। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं की गई। दुनिया के मुकाबले न्यूजीलैंड ने कोरोना के खिलाफ बेहतर लड़ाई लड़ी। कोरोना संक्रमित मरीजों और मृतकों की संख्या दुनिया के मुकाबले यहाँ बेहद कम है। दरअसल कोरोना की शुरुआत होते ही न्यूजीलैंड ने अपने देश की सभी सीमाओं को सील कर दिया था। वहीं जीनोम सीक्वेंसिंग की मदद से यहां पर कोरोना को बेहतर तरीके से काबू में लिया गया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।